गुड मॉर्निंग, आज है बटना। आज हम सब येलो सूट पहनेंगे। मम्मी तो बहुत सुबह ही उठ गई थी, 4:30 बजे मम्मी काम कर रहे थे, हम लोग अभी उठे हैं 7:45। देखो हमारा कितना सुंदर लग रहा है यार लाइट्स के साथ। मम्मी ना चिल्ला चला देते हैं, जैसे ही थोड़ा लो होती है तो इधर को हम बैठ जाते हैं। और भैया आगे डेकोरेशन के लिए, मुझे पता नहीं था कि भैया ने डेकोरेशन के लिए आना है तो वो आगे ने, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग खुद से डेकोरेट थोड़ा थोड़ा कर देंगे, बट वो लोग आगे तो बहुत अच्छे से वो डेकोरेशन कर रहे हैं। उनका सामान देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। एक साइड दूध रखा है, दूसरी साइड चाय रखी है, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। वेट कर रहे हैं जो हमारे हेल्पर है कि कब आएँगे। मौसम आप देख सकते हो कितना ठंडा हो गया है। मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया, और बाहर ना बारिश वाला मौसम हो गया। एक्चुअली किसी को ना कॉफ़ी पीनी है तो मैंने रात को बना के दी थी, उनको बहुत अच्छी लगी तो मैंने फिर से वही कॉफ़ी बनाई है। इसमें मैंने मलाई डाली है खूब सारी, थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ी सी ब्रू वाली दो कॉफ़ी डाली है, और बहुत अच्छे से इसको बीट किया है। ये मैंने रख दिया है, मुझे अभी दूध डालना है, फिर फटाफट से कॉफ़ी हमारी बन जाएगी। कॉफ़ी को ना इस तरीके से बना के कॉफ़ी इतनी टेस्टी बनती है। जब मैंने पिछले दिन बनाई ना, सबको बहुत अच्छी लगी, बोला आज फिर से बनाओ। मैंने बोला मम्मी मार देगी मेरे को, इतना दूध ख़राब करी है। ऐसे दिक्कत नहीं है, बट होता क्या है कि शादी के टाइम पे आपको दूध चाहिए होता है। और जी हमारा फंक्शन शुरू हो गया है, मम्मी और ताई जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने पहन लिया है येलो कलर का सूट, बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई है, फटाफट से मैं नहा के अपने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी से रेडी होना। पहले हम किचन में काम कर रहे थे, एक्चुअली जो हमने हाउस हेल्पर वगैरह अरेंज करे वो आई नहीं टाइम से, तो फिर खाना वाना बनाना था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और ये मैं कंगना बंधवा के आई हूँ, क्योंकि 5 या 7 को कंगना बांधते हैं। हाँ वो ढूंढ रहे थे नीचे। जो फिटिंग है अभी बहुत अच्छी होगी, पहले खराब हो गई थी, और जो टेलर है ना उन्होंने मेरे कुछ सूट्स रह गए थे, तो अभी रात को अराउंड 9:30 उन्होंने डिलीवर करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी 3 सूट्स हैं, बट आज के लिए जो हमारा था मेन, कल के लिए वो हो गया, और परसों चौथ के लिए वो हम ले आएंगे कोई भी मार्केट। चाय की दीवानी प्रियंका फेरी है चाय, मैं हो गई हूँ रेडी, सब लोग रेडी हो गए, बस अभी थोड़ी देर में हमारा जो फंक्शन है वो शुरू होने वाला है। तैयार होने के बाद ना इस तरह से फोटो वोटो क्लिक कराना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली शादी के टाइम पे तो कुछ ना कुछ आपके पास फोटोज़ हो, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हो, आपको अच्छा लगता है। एंड कल वाले ब्लॉग में लोग बोल रहे थे तुमने चप्पल नहीं पहनी अच्छे से, क्रॉक्स पहन के रखे ऐसा वैसा, तो आज मैंने बहुत स्पेशल उन लोगों के लिए उनके कहने पर अच्छी वाली हील वाली चप्पल जो है जूता मैंने पहन लिया है। सीधा करके लगाओ जी, सीधा करके, वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये बाकियों को देना है, ये मेरा ना मांग टिक्का ही ना अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ लगाना था। आप लोग सही बोल रहे थे, हम लोगों को ना पहले से डिसाइड करके सब चीजें रखनी चाहिए, रखी थी, बट एंड मोमेंट पे कुछ मिलता नहीं होगा। आईब्रो पेंसिल ही नहीं मिल रही थी, कहाँ तो मिल गई, मैंने देख ली नीचे रखी हुई थी। हाँ मैंने लगा ली डिपो रूम में, मैंने और चाची ने संभाल लिया है किचन का डिपार्टमेंट, क्या बनना है कैसे बनना है, कौन सी चाय बनेगी, बनेगी फिर चाय बनेगी फिर कॉफी बनेगी, ऐसे होता है बेटी। आशु आई नहीं यार, आशु कॉलेज में ना नौकरी, कौन आया करता था मम्मी तूनो। दीपू लगाने जा रहा है गाड़ी बाहर। दीपू इसके बाद तूने गाड़ी को हाथ नहीं लगाना ना, ऐसा होता नहीं है, मतलब बाहर नहीं जाना। चलो जी चाय हमारी खोल गई, इसमें डालो दूध। वैसे जो बहुत बड़े पतीले में चाय बनी है, अभी तो हम थोड़ी ही बना रहे हैं 4-5 कप, वो चाय थोड़ी देर बनी, मतलब आधे पौने घंटे के बाद बनेगी। हाँ
चाहे हाँ बस खोल के अब डाल लेते हैं जी, है ना? अभी नहीं, मैंने पीनी है अभी। हाँ फिर बुलाएंगे। हम लोग आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, 2 मिनट का टाइम निकाल के। मुझे वो वाला व्यू लेना है येलो सूट के साथ। कैसे रखूं दुपट्टा ऐसे? ठीक है, ठीक लग रहा है। तो पीछे से ऐसे करके ठीक है, ये ऐसे करके लो, ये ऐसे ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। ये है मेरे ताई जी और मम्मी, मतलब ऐसे बोले दीपू की 2 माएँ, तो इन दोनों को साथ में फोटो क्लिक करनी थी। ताई जी ने मांग टिक्का लगा नहीं रहे, तो मम्मी ने बोला कि लगाओ, अच्छा लग रहा है। प्रीति की जगह छेतिया प्रीति ने तेरा के लाड़े दी तेरा ने दी तेरा। यार ऊपर से जो व्यू आ रहा है ना, ये वाला ही बहुत मस्त है। इससे टॉप पे भी जा सकते हैं, पर मेरे को ना ऊपर जाने में डर लगता है। ये वाली सीढ़ी वगैरह सब चढ़ जाते हैं, ये भी मैं नहीं चढ़ पा रही ना। मौसम इतना खराब हो गया है, ठंडा इतना हो गया है ना, हमें तो लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी, पर धूप निकलेगी। सब लोग खुश हो गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली बोलते हैं कि ना, अगर ऐसे बारिश लगे ना, तो जिसकी शादी होती है उसने ना मलाइयाँ खाई होती है। ऐसे कैसे करके मतलब कढ़ाई चाटी होती है जो पतीली चट्टी। हाँ ऐसे कर रहा है। मैंने भी किया है, तूने किया? नहीं, मैंने भी किया है। दीपू ने भी किया है, प्रीति ने नहीं किया। प्रीति शर्मा लाई कम खाती है। अभी हम लोग करवा रहे हैं हल्दी, जहाँ पे लिखा है ना उसके साथ कुछ फोटोज क्लिक। मैंने एक दो अपनी फोटोज क्लिक कराई, उसके बाद तो भैया मेरे फोन में 100 से 200 फोटोज मैं ही क्लिक कर रही हूँ सबकी। बस मेरी एक दो क्लिक हुई है, फिर सब लोग खड़े हो गए और फिर बस मैं उनकी फोटोज ही क्लिक कर रही हूँ। और जो हल्दी लिखा है ना, इसने ना मतलब फंक्शन को चार कैमरा मैन बना दिया है। सब लोग बोल रहे फोटो खींचे, मेरा पूरा फोन फोटो से भर गया। वीडियो बन रही है,
खिंच लो, स्माइल करो, स्माइल करो, दांत निकाल के। आप हो रहे फोटो शूट, आओ ताई, ताई जी आओ। प्रिया दीदी को कैमरा मैन समझा, सब आगे फोटो खिंचवाने हाँ। भेज देना सबको, हाँ प्रिया ये हमने अच्छा किया ना ये झुमके, हाँ है ना अच्छा लुक, दूसरा लग रहा है, चलो दूसरा बटन हम खुद ही लगाएंगे ना, पीछे चल रहे फोटो। इसको पूरा वो हो गया कैसे लगाना है। चाची और ताई हमारी बना रही है रोटी, ये ताई हमारी मतलब मेरी मम्मी की बहन है, धर्म बहन, तो ये जब भी हमारी शादी हो कुछ भी होता है तो ऐसे हमारी मदद कराने के लिए हमेशा। क्या बनाया फिर आपने आज, क्या बनाया आपने? दाल फुल्का। अरे भैया को चूल्हे पे बनाना अच्छा लगता है ज्यादा कि गैस पे? मेरे को गैस पे, चूल्हे पे मैं बना लेती हूँ पर इतनी नहीं प्रैक्टिस रही पहले थी बहुत। पहले ये दाल वो होगा जी, वो निकाल के रखनी है। दीपू को रख रही हूँ मैं, हाँ दीपू के लिए ना, पहले ही रख रही हूँ। दीपू ने लग दाल खाने सूखी रोटी हर रोज, हर रोज। मैंने आपको बोला था ना हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो माँ की दाल बनती है, और ये वाली दाल आज बनाई है ताई ने हमारी, आपने बनाई है ना, ये देखो। हाँ जी दादाजी, के बाद हम लोगों ने एक फोटो क्लिक करा। मैंने ना प्रीति को बोला, एक्चुअली प्रीति अंदर थी उसको कुछ काम था इसलिए वो आ नहीं पाई बाहर को, तो उसने दूसरी फोटोज में मतलब उसकी क्लिक हो चुकी है, बस प्रीति की इस फोटो में कमी है, बाकी हम सब लोग येलो 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 सूट में, मम्मी जी, ताई जी, चाचू जी, चाचा, मेरी सब बहने, हम सब सब क्लिक करा रहे हैं। बाकी लोग जब चले गए उसके बाद हमने सोचा था कि हम लोग क्लिक कराते हैं। चलो जी अभी हम थोड़ी सी फोटो वोटो खींचते हैं, खाना बन गया है हमारा बस खाएंगे, और मिताली जी मतलब घर में आया है सामान, सोफे नए, बेड, सब लोग शादी से पहले ना पूरा घर रेडी हो गया है। रज्जू कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ कितना सुंदर कलर है। सब लोग खा रहे हैं खाना, मैं अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज्यादा, और कुर्सियाँ आ गई हैं बाहर। डेकोरेशन पता नहीं यार कब लगेगा, बहुत अच्छा गया जितना सोचा था उससे भी ज्यादा, और आज मैंने मेकअप भी किया ना बहुत अच्छा लगा, पिंक येलो का जो कॉम्बिनेशन था यार ये पता नहीं उल्टा ही होता रहा बार बार, ऐसे होता रहा ऐसे बहुत ज्यादा यार, ऐसे लग रहा है गला मेरा पकड़ लिया, बहुत मस्त वीडियो बनता है पहाड़ पीछे आते, मेरे को यहीं से क्लिक करना था अपना फोटो, काफी सारी फोटोज मैंने क्लिक करी है, कितना मस्त क्लियर स्काई। हम लोग के ना सब कपड़े ऊपर ना ऊपर आना पड़ता है चेंज करने के लिए है ना, मेकअप नहीं हटाऊंगी मैं, बस इयररिंग्स वगैरह निकाल के कपड़े टैन लगा के रख देने, धोने धोने नहीं अब हमने बिल्कुल भी कपड़े, वैसे भी बटना लगा आज से हम लोगों ने कपड़े नहीं धोने हैं, हम लोग ना मतलब ऐसे रख देंगे अब शादी के बाद धोएंगे कपड़े वपड़े जो भी होगा, थोड़ा बहुत अगर चाहिए होगा सॉक्स वगैरह होगी वो हाथ से धो लिया करेंगे, पर मुझे लगता नहीं टाइम होगा, कल हमारे ऑलमोस्ट सब रिलेटिव्स आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे, इनकी फ्लाइट है, ये चले गए थे मेरे को छोड़ के, थोड़े दिन रुके थे फिर चले गए थे, आज इनकी मतलब अभी फ्लाइट में ही होंगे तो फिर पहुंच जाएंगे शाम तक, इसलिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, कल तो सब लोग ऑलमोस्ट आ जाएंगे, नानके आएंगे, उनके बच्चे वगैरह बीच में आ जाएंगे, बीच में मामा जी हो सकते हैं, मम्मी की ना फ्रेंड है, अभी सब लोग चले गए हम लोग रात के खाने की कर रहे हैं तैयारी, और ये ऐसी फ्रेंड है मम्मी की, इनको फ्रेंड बोलेंगे क्या बोलेंगे ताई, मासी बोले तो बोल देता है। ताई आप क्या सुना रहे हो कि आप कब से हमारे साथ हो? हाँ जब तेरे डैडी पूरे हुए थे जब निके निके थे तुसी सारी रात साढ़े को मेरे को रहे थे सारी रात, जिस दिन डेथ हुई थी हाँ जिस दिन लेके आया करते थे उन, मेरे को हाँ। था बिल्लो दीदी के साथ थे हाँ, नाले वो थी नाल बिल्लो भी साढ़े थी नाले वो थी अड़िए कौन थे मानी जे मुंडे हाँ रवि भैया राजन भैया हाँ सारी रात मेरे को रहते, दूए दिन भी जा ले गए ता देके आई थी मैं, निकू निकू थे
एक सिर्फ दूध था जाता ही ना साथ ले लाया मेरी बेई बोलता कहते मेरे बाबू बड़ा दुख काटा इन्हें ना हाँ। कितने साल से लालच नहीं कर दी किसी गल लेने देने का मेरा कोई लालच नहीं है एक सिर्फ प्यार है बोल रही मेरे से कह रही राधा था इतनी मर्जी था उसे मैं देती हूँ लेती नहीं है हाँ। प्यार मेरा वो प्यार होता ही है सारी जगह पैसे नाल ही होती है गल्ला सारी है पैसे नाल थोड़ी होती है दीदी प्यार भी होता है हम लोग चेंज करके यहाँ बैठे हैं नहीं आते हो साड़ी हर एक ब्याह चल रही है अब चाची भी आती है चाची बन गई तो चाची भी चाची चाची तो हमारी सगो में आ गई ना यार सगे वो नहीं होता था ही। चलो होना अपना औखा टाइम तक प्यार होता है हाँ। है ना नहीं तो जिसने अपना होना उसने होना ही है जो नहीं रहेगा आपका अपना वो नहीं रहेगा हाथ को हाथ है वो देखो मोर के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग नए नए व्लॉग सब आपको देखने को मिलते रहेंगे आपसे मिलते हुए नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय